क्योंकि सरकार ने अपना ही एजेंडा खड़ा करना है, निर्दोषों को फंसाना है। अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाना है तो दोषियों को पकड़ो, इंक्वायरी सीबीआई से करवाओ तो हम उस इंक्वायरी को मानेंगे, नहीं तो अन्यथा हम सड़क पे उस रोड पे आज ही तो धारा लगाई जाती है, 144 धारा लगाई इस बात के लिए, इंसाफ के लिए। हम उस धारा का उल्लंघन कर रहे या ना करें, आज हमें कोई पुलिस रोके, कोई आवाम रोके, हम नहीं सुनेंगे। हम अपनी लाशें हम उधर मरेंगे। अगर आज हम इतने दिनों से उधर बैठे हैं, काम हो जाएगा। हम इतने दिनों से उधर बैठे हैं, आज तक ने मीडिया ने किस किस मीडिया को पैसा मिला ये बताओ मुझे। लाशें दिखाओगे जरा, मीडिया बिकी हुई है, मैं शरीआम मुंह पे बोलूंगी, आज मीडिया बिकी हुई है। अगर नहीं बिकी दोनों साइड से न्यूज हो, आज तक उस बच्ची के रेप का दिया जा रहा है, लेकिन उसके इंसाफ के लिए जो हम 3 महीने से तड़प रहे हैं उसका क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया? जिस मीडिया ने पैसे खाए हैं वो शरीआम में बोल रही हूँ, वो जम्मू में पैर मत रखे, क्योंकि इंसाफ की दुहाई के लिए आजकल इंसाफ दबाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। और कठुआ कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि CBI जांच की मांग उठी है और मांग उठते उठते हाई कोर्ट पहुंच गई है। जी हाँ, और जो कठुआ कांड के आरोपी हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि इस केस की जांच CBI करे, वो चार्जशीट यानी SIT की जांच से संतुष्ट नहीं है। मैं आपको खबर दिखाऊंगी, आप खबर देख सकते हैं यहाँ पर। कठुआ कांड की CBI जांच की मांग हाई कोर्ट पहुंची और जम्मू संभाग के कठुआ जिले के रसाना गाँव में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की है। और एडवोकेट वीनू गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में दोनों ने क्राइम ब्रांच पर फर्जी सबूत पेश करने का आरोप लगाया है और इस मामले में आनंद दत्ता को निलंबित और दीपक खजूरिया को बर्खास्त किया जा चुका है। और याचिका में दावा किया गया है कि क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच हाथ में लेते ही इसके साथ छेड़छाड़ की है। और आरोपियों का कहना है कि बच्ची के मिट्टी में सने कपड़े और उसका शरीर भी क्राइम ब्रांच की कहानी पर सवाल खड़े करता है, जिसमें दावा किया गया है कि बच्ची को देवस्थान पर बंधक बनाकर रखा गया है, जबकि देवस्थान पक्का है जहाँ मिट्टी नहीं है। और दोनों आरोपियों ने देव स्थान से बच्ची के बाल मिलने के क्राइम ब्रांच के दावे को भी कहानी बताया है। और आरोपियों का कहना है कि देवस्थान को 3 बार धोया जाता है और ऐसे में वहां से महीने बाद बच्ची के बाल मिलना संभव नहीं है, और बाल बच्ची के किसी रिश्तेदार के हो सकते हैं, और क्योंकि खून के रिश्ते में DNA एक जैसा मिलता है। याचिका में आरोपियों ने पूरी जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जम्मू के लोगों की देश विदेश में छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। और ऐसे में याचिका में कहा गया कि इस मामले का उद्देश्य खानाबदोश समुदाय की ओर से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को संरक्षण देना है, क्योंकि इस समुदाय के कुछ लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले माफिया के साथ काम करते हैं। और याचिका में यह भी कहा गया है कि क्राइम ब्रांच की कश्मीर में अलगाववादियों को जम्मू के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का मौका भी दे रही है, जो पिछले 7 दशकों में नहीं हो सका था। और याचिका में कहा गया है कि इस मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाया गया है। ये बड़ी खबर है कठुआ कांड से जुड़ी हुई, और ऐसे में CBI जांच की मांग की है दीपक खजूरिया और जो कि आनंद दत्ता हैं उनकी तरफ से। CBI जांच की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि लगातार SIT की जांच जो चार्जशीट जो दाखिल की गई है उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो कि सवालिया निशान उठा रहे हैं, सवालिया निशान उन पर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि CBI जांच की मांग उठ रही है। और साफ साफ जब बीते 16 अप्रैल को कठुआ कांड के आरोपियों की पेशी हुई थी तो आरोपियों ने साफ साफ कहा था कि नार्को टेस्ट कराया जाए और CBI जांच कराई जाए, उसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें SIT की जांच पर पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट और फिगर बताए गए हैं जो कि सच्चाई से बहुत दूर हैं। और ऐसे में 2-3 ऐसी बातें हैं जो बार 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 क्लिक कर रही हैं, बार बार सामने आ रही हैं कि आखिर देवस्थान में बच्ची के साथ गैंगरेप कैसे हो सकता है जब उस देवस्थान में 3 दरवाजे हैं। दूसरी बात यह है सांझीराम के घर के पास बच्ची का शव मिला है तो सांझीराम खुद को क्यों फंसाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आरोपियों से अगर वहाँ पर अगर परी के घर वालों से कोई दिक्कत थी सांझीराम और आरोपियों को,
तो फिर ऐसे में वो दिक्कत पहले क्यों नहीं सामने आई, अचानक से क्यों सामने आई? तो यानी कि कहीं ना कहीं सवाल तो SIT की जांच पर उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जांच CBI को क्यों नहीं दी जा रही है। खैर इसमें अभी बात करेंगे, अभी हम फिलहाल इसी चीज़ को, कठुआ मामले को लेकर ही कि किस तरीके से ये मामला जो है अब CBI जांच को लेकर पेचीदगियों से भरता जा रहा है, और पेचीदगियों से भरने का मतलब है कि साफ साफ कि इसमें अब देखना ये होगा कि जिस तरह से आरोपियों की तरफ से ये याचिका दायर की गई है कि हमें चार्जशीट पर पूरा विश्वास नहीं है। कल मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें गाँव के एक शख्स हैं श्यामलाल, उन्होंने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मंदिर में रेप हो जाए, क्योंकि 3 बार वहाँ पर पूजा पाठ होती है, 3 बार स्थान को धोया जाता है, तो ऐसे में रेप होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। और श्यामलाल ने यह भी बताया था कि चार्जशीट जब दाखिल की गई तो SIT ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो किस आधार पर उन्होंने चार्जशीट में इन बातों का जिक्र किया है कि देवस्थान में रेप हुआ था। और ऐसी कई बातें उन्होंने, कई सवाल उन्होंने उठाए हैं जो कहीं ना कहीं निशाने पर ले रहे हैं SIT की जाँच को। क्या वाकई SIT ने जाँच में ढिलाई बढ़ती है? हालांकि जो महिला पुलिस अधिकारी हैं श्वेतांबरी शर्मा, उनका ये साफ साफ कहना है कि जांच को पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच की गई है, लेकिन अभी भी सवाल क्यों उठ रहे हैं आखिर SIT की जांच पर? आखिर ऐसे बहुत से इसमें चार्जशीट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं वाकई जहन में आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सवाल तो अभी भी बार बार यही खड़ा हो रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, और क्या वाकई अब इस इमाम को लेकर अब अदालत का फैसला क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ याचिका दायर की गई है और याचिका में साफ साफ कह दिया गया है कि उन्हें SIT की जांच पर विश्वास नहीं है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से केस पेचीदगियों से भर रहा है वो साफ साफ बयां कर रहा है कि कठुआ कांड में कहीं कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। अब वो तथ्य चाहे SIT की तरफ से हो और चाहे वो आरोपियों की तरफ से हो, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अभी फिलहाल सवाल ये है कि आखिर क्या वाकई यहाँ CBI जाँच होगी? सवाल सबसे बड़ा ये है, CBI जांच होगी? क्योंकि आरोपी आखिर लगातार मांग, मैंने कल भी प्रोग्राम में ये बात उठाई थी कि आखिर आरोपी CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं और नार्को टेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें यहाँ पर जांच नहीं, अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या मुफ्ती सरकार को इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए CBI जांच नहीं करानी चाहिए? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अब इसमें इनकार कर दिया, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआत में पीड़िता के माँ बाप ने भी बात कही थी कि वहाँ पर जांच होनी चाहिए CBI की, लेकिन अब पीड़िता के माँ बाप का साफ साफ कहना है कि हम SIT की जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं, हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि जो केस है इसमें आरोपी जो है उनको बख्शा जाना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे पहलू छूट रहे हों जो शायद किसी को पता ना हो, क्योंकि पहलू बहुत से हैं और कहीं ना कहीं जाँच तो उठ रही, सवालों पर जाँच पर सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि SIT को जवाब देना ही चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा है, और ऐसा है अगर उनके हिसाब से ऐसा है तो फिर क्यों है? विशाल जंगोत्रा यहाँ उनके सरनेम में, उसके सरनेम में थोड़ी सी दिक्कत है, कहीं पर जंगोत्रा लिखा हुआ सामने आता है, कहीं पर जंगोत्रा लिखा हुआ सामने आता है, लेकिन असल नाम उनका विशाल ही है, उसका सरनेम मुझे यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन विशाल जो आरोपी है जो कि कह रहा था कि मेरठ में एग्रीकल्चर वो एग्ज़ाम पढ़ाई एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है और उसको भी बुलाया जाता है कठुआ से इस कांड को अंजाम देने के लिए, यहाँ पर भी कहीं पर चिदगियाँ हैं, यहाँ पर भी चार्जशीट में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सामने आई हैं जो विशाल को दायरे में ला सके, क्योंकि हालांकि यहाँ पर तो साफ साफ सांझीराम ने ही फिलहाल मीडिया से बात की और उन्होंने कहा है साफ साफ कि मामले को सांप्रदायिकरण दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और साफ साफ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सरेआम फांसी दे दो, लेकिन अगर CBI की जांच होती है अगर उसमें मैं दोषी पाया जाता हूँ। कुल मिलाकर जो पूरा जो कठुआ की जो पूरा घटनाक्रम है वो सारा जो घूम फिर के आ रहा है वो आ रहा है CBI जांच पर, कि आखिर CBI जांच को लेकर इस तरह से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और SIT की जांच पर आखिर विश्वास क्यों नहीं है? चलिए आरोपियों को विश्वास नहीं, एक मिनट की मान लेते, बचने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्थानीय निवासी हैं उनका भी साफ साफ ये कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में CBI जांच की अगर वहाँ पर निवासी अगर इस बात की मांग उठा रहे हैं तो यानी कुछ तो दाल में काला है, आखिर क्या वजह है, आखिर क्या ऐसा है, कुछ तो है जो अभी मीडिया में नहीं सामने आ सका है या फिर कुछ जो है जिसकी पर्दादारी अभी की जा रही है, और इसी पर्दादारी को सामने लाना पड़ेगा, उस छुपे हुए झूठ को सच को बाहर लाना पड़ेगा, क्या पता कि इसका इस केस का कोई अलग ही पहलू निकल कर सामने आए जिसके बारे में हमने और आपने सोचा तक नहीं हो, क्योंकि
फिलहाल अभी इसे सिर्फ और सिर्फ मजहबीकरण दिया जा रहा है, लोगों की फीलिंग सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर, इंसानियत को लेकर जुड़ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं है? क्योंकि हमें इस चश्मे से भी इस मामले को देखना चाहिए, क्या इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं है? हो सकता है इसके पीछे कोई सियासत भी हो, जैसे कि लाल सिंह का इस्तीफा, चंद्र प्रकाश गंगा का इस्तीफा, लाल सिंह का साफ साफ कहना कि यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आरोपी हैं, जो बीजेपी के जो विधायक हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मुक्ति सरकार लगातार टाल रही हैं, क्राइम ब्रांच पे उन्हें पूरा भरोसा है। आखिर क्या कनेक्शन है, आखिर वजह क्या है? क्या क्राइम ब्रांच पे उन्हें पूरा विश्वास है? क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और हमने बकायदा आपको दिखाया कि मीडिया बकायदा हमारे रिपोर्टिंग करने पहुंचा और जो चार्जशीट में चीज़ें सामने आई उस पर मीडिया ने भी सवाल खड़े किए थे कि आखिर वहाँ पर इन पांच सवालों का जवाब एसआईटी दे कि आखिर क्या वाकई जो पांच सवाल हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। क्योंकि जो लॉजिकली अगर चीज़ों को देखा जाए तो निसंदेह ये जो पांच तथ्य निकल के सामने आए, जो पांच सवाल खड़े हो रहे हैं, इन पांच सवालों में बहुत दम है। अगर इन पांच सवालों की थ्योरी अगर सॉल्व हो जाती है तो इस केस के पीछे का असल जो सच है वो सामने आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो है आरोपियों ने सीबीआई जांच की मांग करी है और हाईकोर्ट पहुंची है, अब काठुआ जांच की मांग जो है, सीबीआई की मांग जो हाईकोर्ट पहुंची है, और ऐसे में अब देखना होगा कि वाकई जो दीपक खजूरिया हैं और आनंद दत्ता हैं उनकी इस याचिका को कब तक मंजूरी मिलती है और क्या वाकई हाईकोर्ट पर सुनवाई करता है। हालांकि अभी ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल ये थी कठुआ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट। नमस्कार। We'll be right back.